समझने की जिज्ञासा इंसानों में पहले भी थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। यही जिज्ञासा भारत के चंद्रयान मिशन का मूल आधार है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। चंद्रमा के बारे में काफी कुछ खोज लिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। उन्हीं जानकारियों को चांद पर पहुंचा भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर देने वाला है। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समातन सत्य चांद की सतह में छिपा है? क्या चांद के धरातल का विश्लेषण ब्रह्मांड की अबूझ पहेली को सुलझाने का प्रवेश द्वार है? क्या धरती पर मौजूद जल, जंगल, जमीन, फूल और खुशबू का तार चंद्रमा के इस वीरान संसार से भी जुड़ता है? चांद पर पानी की खोज के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है, चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं और यही वजह है कि चांद पर पहुंचने के लिए तमाम देशों में होड़ लगी है। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान जरूर बना दिया। बावजूद इसके चंद्रमा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उसके दक्षिणी छोर की पूरी सच्चाई से दुनिया अब तक अनजान है। We are looking for very, very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. विज्ञान कहता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर पानी है। सवाल है कि अगर वहां मिट्टी भी है और पानी भी है तो जिंदगानी क्यों नहीं? क्या भारत का चंद्रयान 3 इस सवाल का जवाब पता करने वाला है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद का दूसरा हिस्सा धरती से दिखाई नहीं देता। इसे चांद की डार्क साइड कहते हैं, जिसे धरती से देखना मुमकिन नहीं है। चंद्रमा का जो हिस्सा हमें धरती से नजर नहीं आता, उसे वैज्ञानिकों ने चांद का डार्क साइड नाम दिया है। इसे डार्क साइड के अलावा फार साइड भी कहा जाता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का मकसद भी इसी डार्क साइड पर रोशनी डालना है। ये डार्क साइड है चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, जहां चंद्रयान 3 के लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। चंद्रमा का ये हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। चंद्रमा पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील का पत्थर जैसा है, और स्पेस साइंस की दुनिया में यह ऐसा करिश्मा है जिसे अभी तक कोई देश नहीं कर सका था। चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है।
है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में पहुंचा है जो हमें नहीं दिखता है। सवाल है, आखिर चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें क्यों दिखता है? चांद खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। धरती का यही गुरुत्वाकर्षण बल हमें चांद के दूसरे तरफ को देखने नहीं देता। दरअसल चांद में पृथ्वी से जुड़ा एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र चांद के बीच में नहीं बल्कि उस हिस्से में है जो धरती की तरफ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसी वजह से चांद एक ही स्थिति में धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और चंद्रमा का दूसरा हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चांद पर पहुंचा विक्रम लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव के तिलिस्म को तोड़ने वाला है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना जिसकी धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। चंद्रमा के रहस्यों की खोज में सबसे पहली कामयाबी 1959 में तब के सोवियत संघ को मिली थी, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 1959 को धरती से लॉन्च किया गया रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 2 चांद की सतह से जा टकरा। सात बरस बाद 1966 में सोवियत संघ ने एक बार फिर चांद पर दस्तक दी। 3 फरवरी 1967 को लूना 9 चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। यह वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देशों में धरती के साथ साथ स्पेस रिसर्च को भी लेकर एक होड़ लगी थी। इस होड़ का सबसे अहम हिस्सा चांद तक पहुंचने की दौड़ थी। सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए तब अमेरिका ने इंसान को चांद तक ले जाने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया। Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 1-0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अमेरिका के अपोलो 8 मिशन ने अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद के इतने करीब पहुंच गया था। इसके बाद वो दिन भी आया जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतार दिया। ये मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिए अमेरिका ने चांद तक ऐसी छलांग लगाई जिसे आज तक कोई दूसरा देश दोहरा नहीं पाया। वो छलांग थी चांद पर इंसानों का पहला कदम। जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रांग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। अपोलो 11 मिशन ने चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलग इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। चांद पर पहुंचने की स्पेस रेस आगे भी चलती रही। इस दौड़ में यूरोपियन एजेंसी, जापान, यहां तक कि चीन भी कूद पड़ा। लेकिन मून रिसर्च में अगली कामयाबी भारत को मिली। वो कामयाबी थी चांद की सतह पर पानी की खोज की।